हेलो दोस्तों, वो आज किस वीडियो में बात करने वाले HDFC के भारत क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब दोस्तों, मैं इसी कार्ड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, HDFC के तो कई सारे कार्ड आते हैं, मेरे ख्याल से HDFC के सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बस ये भारत क्रेडिट कार्ड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसे तो कोई लोग जानते भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कार्ड के बारे में बात करने का रीज़न ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड होता है ये, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और भी कोई भी क्रेडिट कार्ड इतने ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है किसी एक मिडिल क्लास फैमिली को जितना ये कार्ड देता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सुनेंगे, चार्जेस के बारे में सुनेंगे, वेव ऑफ फीस के बारे में सुनेंगे, तो आप बोलेंगे अरे भाई ये मतलब कहां था ये कार्ड इतना दिनों से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कार्ड के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ साथ फीस एंड चार्जेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भैया पैसा नहीं बताओगे तो कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, जाने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं आशुतोष, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि भैया को किसको किसको ये कार्ड मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कार्ड किसी भी आदमी को जिसका एज 21 साल से 60 साल के बीच का है, उसे क्रेडिट कार्ड ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी शर्त है वो तो भाई आप सुन के बोलेंगे क्या बात बोले हैं मिश्रा जी। दोस्तों, वो ये है कि जो आपकी मतलब मंथली इनकम होनी चाहिए, मिनिमम मंथली इनकम इस कार्ड को लेने के लिए, वो है मात्र 12,000 रुपये। तो मतलब सोचिए कि आज की डेट में कोई आदमी ट्यूशन पढ़ा कर भी इतना कमा सकता है। 12,000 रुपये कोई खास बड़ा रकम नहीं है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय है, कहीं प्राइवेट कंपनी में वर्क करता है, तो आपको इतने पैसे आराम से मिल जाते होंगे। उसी के साथ दोस्तों, जो दूसरी मतलब बात है वो ये हो रही है कि सेल्फ एम्प्लॉय का क्या करिए, ये मैंने सैलरीड वाले लोग के भी बताया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपकी सालाना इनकम 2,00,000 होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बस अपने अकाउंट की स्टेटमेंट शो करनी है, वो लोग उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ठीक है आपकी सालाना इनकम क्या हो रही है, कितना का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस बेसिस पर भी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, वो कोई खास बड़ा टास्क है नहीं। मुझे नहीं लगता कि भाई अगर आप कोई 12,000 कमा ले रहा है तो आपका दोस्तों यहाँ पर भी वो 2,00,000 आराम से कमा ही सकता है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड का बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बस इतने ही थे। अब आप बोलें क्या भाई ख़त्म, ये तो शुरू होते ख़त्म हो गए। तो हाँ दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इतना ही था, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं मांगता है आपके पास। और आप कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम मतलब 10वीं 12वीं पास हो, या फिर आप कोई बहुत बड़े IT इंडस्ट्री में काम करते हो, कुछ नहीं भाई। बस इतनी सी सैलरी होनी चाहिए, इतना एज होना चाहिए, मिल जाएगा आपको एक क्रेडिट कार्ड, चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, चार्जेस भी बताऊंगा, पहले फीचर्स सुन लीजिए उसके बाद, क्योंकि यार फीचर्स को डिस्कस करने का अलग ही मजा है। अगर आप भी इसका फीचर सुने तो बोलेंगे कि वाह भाई क्या बात बोला है। तो दोस्तों, इसमें पहले एक कैटेगरी वाइज फीचर दिया गया है आपको, मतलब कैटेगरी वाइज इसमें फीचर देखने को मिला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसमें कैटेगरी ए से। तो दोस्तों, कैटेगरी ए में हम बोला जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5% का कैशबैक देखने को मिला अगर आप IRCTC के वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब टिकट वगैरह बुक किए, होटल वगैरह बुकिंग किए, तो आपको 5% का कैशबैक मतलब 5% की छूट दे दी जाएगी। उसी के साथ दोस्तों, फ्यूल पर आपको 5% मंथली कैशबैक दिया जा रहा है। तो ये भाई 5% आप तेल डलवाइए, 5% मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर और भी एक बात बताना चाहता हूँ कि दैट गेट 1% सरचार्ज वेवर एंड सेव अप टू 250 इन एवरी बिलिंग साइकिल मिनिमम ट्रांजेक्शन ऑफ ₹400। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब भी मिनिमम 400 रुपये का तेल भरवाएंगे अपने गाड़ी पर, तो आपका जो 1% का जो चार्ज लगता है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर वो 1% आप कितना सेव कर पाएंगे, तो वो 250 रुपये तक आप सेव कर सकते हैं, मतलब 250 रुपये तक ही ऑफ होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिलती है ग्रॉसरीज में, वो है दोस्तों 5% का कैशबैक आपको देखने को मिला ग्रॉसरीज में। आप ग्रॉसरी इन द सेंस क्या हुआ, तो दोस्तों वो बात बोल रहा है कि आप कभी कोई भी ग्रॉसरी शॉप पे ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे किसी भी कोई ग्रॉसरी शॉप है जहाँ पर POS मशीन लगाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन करें तो आपको वहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। उसके साथ बिग बाज़ार वगैरह जैसे बड़े बड़े मार्केट होते हैं, अगर आप वैसे जगहों पर ये सब काम करें, शॉपिंग करें, तो आपको वहाँ पर ही 5% की छूट देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बहुत ही मतलब एक कमाल का बात लगा कि आप कभी भी कोई भी मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं या फिर आप कोई बिल पे कर रहा है, तो उसमें आपको दोस्तों 5% का ऑफ देखने को मिलता है। दोस्तों, डायरेक्टली आपको कार्ड पे ये 5% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था कैटेगरी ए का सिस्टम। अब कैटेगरी बी का देखिए, आप कैटेगरी बी में भी आपको बहुत सारे कमाल का ऑफर्स देखने को मिला। तो दोस्तों, पहला है कि HDFC का आप पेजैप हुआ, EasyMI हुआ, या फिर स्मार्ट बाय हुआ, ये सब कुछ मतलब HDFC के ऐप्स हैं जिसमें आप अपना कार्ड को स्टोर करके उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप अगर इन तीनों में से किसी भी ऐप में, HDFC के ऐप में अगर कुछ भी शॉपिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पर ही 5% की छूट दे दी जा रही है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि आप कैटेगरी ए हुआ या बी हुआ, ये जो दो कैटेगरी के बारे में बताया, बी में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही पेज़ैप वगैरह के बारे में, HDFC के ऐप के बारे में। दोस्तों कैटेगरी ए हो या बी हो, ये दोनों में आपको मैक्सिमम 150 और 150 करके मिलता है, मतलब आप वो मत समझिए टोटल 300 का मिलेगा, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में 150 करके मिलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप 300 मिलेगा, वो मत समझिएगा, अगर कैटेगरी ए और बी को मिलाकर आप ओवरऑल 150 का ही प्रॉफिट दिया जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपको 150 का दिया जाएगा पर मंथ। तो वैसा मत सोचिएगा कि यार कैटेगरी ए में मुझे 150 मिलेगा, 150 कैटेगरी बी में 150, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दोनों का मिलाकर। वो यहाँ पर ऐसे सेपरेटली बताया गया है कि अगर आप कैटेगरी बी पर ट्रांजेक्शन नहीं किए, सिर्फ कैटेगरी ए पर ट्रांजेक्शन किए, तब आपको 150 मिलेगा, समझ रहे हो ना। अब दोस्तों इसी के बाद ये तो यार मतलब था इसके बारे में। अब यहाँ पर और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप कभी भी कोई मोबाइल रिटेलर के पास जाते हैं, कोई मोबाइल दुकान वगैरह पर जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप कोई मोबाइल परचेस करेंगे और इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करें, तो वहाँ पर भी आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो चीज़ है ये कैटेगरी ए में आता है, तो अभी कन्फ्यूज मत होइएगा इसको लेकर कि क्या इसका भी अलग से 150 मिलेगा, नहीं भाई कैटेगरी ए में आता है। और दोस्तों इसमें जो आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है वो आपको 50 दिन का मिल रहा है, हालांकि वो थोड़ा बहुत वैरी भी होता है, वो 40 से 50 अगर मैं कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपके मतलब ये बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितनी देनी चाहिए, ये सब चीज़ आपका मतलब क्रेडिट स्कोर लिमिट ये सब कुछ देख कर डिसाइड किया जाता है। तो आप 40 से 50 दिन का मान के चलिए, मतलब एक महीने से ज़्यादा ही दे रहा है। अब दोस्तों आते हैं सबसे असली बात पर, वो है इसके चार्जेस। ठीक है भाई, ऑफ़र तो मैंने बता दिया है, अब मैं आपने बता दिया भैया कि मतलब कम पैसा है, कम सैलरी है, तभी ये कार्ड मुझे मिल जा रहा है, उसके साथ साथ ऑफर्स भी काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब 5% पे अगर मुझे ये कार्ड प्रॉफिट दे रहा है तो मैं मानूंगा कि ठीक है भाई, मैं अच्छे खासा सेविंग कर ले रहा हूँ पूरे सालाना। लेकिन भैया मुझे पैसे कितने देने पड़ रहे हैं ये भी तो ज़रूरी है, अगर आप 5% बचा रहे हैं, 10% दे रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप तो ये बोलेंगे क्या यार तुम मतलब बना रहे हो बैठ के, ये तो हमने लूट रहा है, ये तो क्रेडिट कार्ड स्कैम है। तो बताता हूँ भाई, चिंता मत कीजिए। दोस्तों देखिए, आपको इसमें जो ज्वाइनिंग फी लग रही है, वो ज्वाइनिंग फ़ी बोलिए या फिर रिन्यूअल फ़ी बोलिए, वो आपको 500 देनी पड़ेगी, मतलब आप जिस टाइम कार्ड ले रहे हैं उस टाइम 500 देना है और हर साल आपको 500 देना है। अरे रुकिए, डरिए मत, आगे तो सुनिए। स्पेंड रुपीज़ 20,000 इन 12 मंथ्स ऑफ कार्ड एक्टिवेशन एंड गेट रिन्यूअल फ़ी वेव ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब आपको बस सालाना मतलब कार्ड जब से एक्टिवेट हुआ है उसके बाद से एक साल के अंदर में आपको मात्र 20,000 स्पेंड करना है। 20,000 स्पेंड करते ही आपका ये जो चार्ज लग रहा है 500 रुपये का, ये हट जाएगा। तो अब देखिए भाई कि ये बात मतलब डील सही है कि नहीं, आप मतलब बस 20,000 खर्चा करना मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बात है यार। अगर आप अपने जियो का रिचार्ज कब कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 2,250 का आपको बस फ़ोन का रिचार्ज कर जाता है एक साल में। तो सोचिए कि आप इतने जगह पर मतलब इतने जगह पर ट्रांजेक्शन करते हैं, इतने सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जगह जगह पर आप POS ट्रांजेक्शन करते हैं, फ़ोनपे पेटीएम वगैरह वगैरह, बिल इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, इतना सारा काम करते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एक साल में किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए 20,000 खर्च करना कोई बड़ी बात है, बहुत ही कॉमन बात है, बहुत छोटी बात है। दोस्तों आप आराम से इसकी फ़ी वेव ऑफ कर सकते हो। तो बस यहाँ चार्जेस लगा कि वो इनिशियल स्टेजेस में आपको 500 देने पड़े, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बस एक जगह 500 देने पड़ रहे हैं, उसके बाद देखिए तो कि हर महीने आपको जो 150 कैशबैक मिल रहा है, तो आपको मतलब वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे दे रहा है। तो दोस्तों यही बात है, आपको समझने की बात है। आप सोचें कि 500 दे रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे तो लॉस हो जाएगा कि यार 500 देना पड़ रहा है कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड में तो मुझे 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा। तो यार वैसे मत सोचिए, देखिए क्रेडिट कार्ड है, आपको हो सकता है कि आप आज पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक साल में हो सकता है कि आपको वो पैसे के साथ साथ कुछ और भी मिल जाए और एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए, तो आप उस हिसाब से सोचिए। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ये कार्ड सबसे बेस्ट लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।